यशोमती मैया के नंदलाला। वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। श्री नारायण, क्या ये सत्य है? आप सच में यहाँ हैं? और ये मत ही कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। लो, मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ। इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं, जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ। देखो देखो, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री नारायण आ गए, मेरे घर बैठे हैं। देखो, मैं बावली ना हूँ, मैं बावली ना हूँ। मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं, मेरे साथ हैं। कान्हा, कान्हा, देखो वो यही है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ है मेरे प्रभु। मैं बावली ना हूँ। ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है। कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है? बूढ़ी मैया, चने तो समाप्त हो गए। लाई प्रभु, अभी लाई। चलो उड़ो उड़ो, हटो हटो, मेरे प्रभु का है। रुकिए, और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ। जो भी पंछियों को, भटकते पशुओं को, बालकों को, निर्धनों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलता है मैया, क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में। क्षमा करना प्रभु, स्वार्थी हो गई थी मैं। सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है। आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना, मेरे लिए। पर बूढ़ी मैया दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न होता हूँ मैं। समझ गई प्रभु, मैं समझ गई। भूखी है ना तू? तू भी ले ले, ले ले। आ। आओ भैया, यहाँ बैठो। एक बात बताओ प्रभु, आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? मैंने प्रतीक्षा ना करवाई, मेरी मैया को ना जानते आप, मुझसे बहुत प्रेम करती है वो। मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे। आज भी बिना बताए आयो है जे यहाँ, मेरे मना करने के बाद भी। मैया का सर,
की क्या सुनाई दे रहा है मुझे? क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ। देखो बूढ़ी मैया, मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे। तुझे कितना भी समझा लो, कितना भी भयभीत कर लो, तू सुनने वालों ना है, हैं? मेरे प्रभु के साथ ऐसो व्यवहार जो अनुचित है लल्ला, ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था। तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें? मैंने बुलाया था इन्हें। देखो मैया बाबा, इन्होंने ही बुलाया था मुझे। अब आप ही बताओ, यदि मैं यहाँ ना आता तो इनका मन कितना दुखी हो जाता। बहाने मती बना कान्हा, आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था। अरे लाली, मैं तो इन्हें 40-50 वर्षों से बुला रही हूँ, पर आज आए हैं ये। 40-50 वर्ष? माई, मेरा लल्ला केवल 4 वर्ष का है। तू भी विचित्र है लाली, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, उनकी आयु गिन रही है। आप कहना क्या चाहती हो माई? यशोदा, एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है, या हमारे कान्हा कोई और समझ रहे। कान्हा, अब चल। चल तो हूँ मैया। प्रभु, अभी अभी तो आए थे, इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो। यदि आप सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना ना पड़े, तो आप काशी जाओ माई। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो। जब उचित समय आएगा, तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूंगा। और हाँ, आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी। इसे गहवर वन के नाम से जाना जाएगा। अब चल भी कान्हा, चल। देख लल्ला, कारण चाहे जो भी हो, तुझे वन में ना आना चाहिए था। कार्य तो तूने अनुचित करो है कान्हा, परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई, उन्हें आनंद मिलो, इसीलिए तुझे ना डांट रहा मैं। मैया, आप भी नहीं डांटोगी ना? आप पक्का क्रोधित भी नहीं हो ना मुझसे? ना। तो फिर चलो दौड़ लगाओ, दिखती है पहले कौन घर पहुंचता है। कान्हा, कान्हा, कान्हा सुन तो। कान्हा, आज ना रुकूंगा मैं। कान्हा, कान्हा, मैंने कहीं रुक। अकेले वन के भीतर चला गयो तब भय ना लगो, हुँ? अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रहो है।
हाऊ। चिंता मत ही कर लल्ला, कोई हाऊ ना है, हाऊ हो तो ही ना है। अब तो तू घर आ गया है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ? तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि चेता भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। अब तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे? आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप। पहरा बनकर उनका संहार किया था। राक्षसों के राजा रसानन रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप। राम बनकर उसका भी वध किया था। आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? तुझे बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया दाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया, अब यशोदा क्या करेगी? जिसने भगवान जी खेल के सीखा है, या जे सब आपने सिखाए हुए? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना, तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती हूँ। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती है ये। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे।
मैं कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से? ना, वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी। योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। तभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो, कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे? विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए कुछ अवश्य भोजन के कारण कुछ। ऐसा क्या खा लिया दुर्जन जो पचा नहीं पा रहे? मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज, मिठाइयाँ। जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता। जो सबसे अधिक प्रिय हो यदि वही विष बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जन। सही कहा महाराज, आगे से स्मरण। उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पता नहीं महाराज। पता करो तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान, जिस देश में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो किसी भी मूल्य पर। जाओ। क्या होगो तुम सबको? प्रभु, जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है, हम सब के लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु। जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु। चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। शीघ्र ही गोपालक बनूंगा मैं। क्या हो गया सोदा? ना वो तो मैं बस। और एक बात बताओ, तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह, और ये क्या बना रही हो? कछुआ है। अरे दिखाओ ना। नंदराज, वो गौशाला में आपकी आवश्यकता है। आ तो से पहले कि कान्हा उठ जाए, मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ।
पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था, अब कछु ना खा रही है। लगता है बन की घास का स्वाद भूल गए ने। तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा। पर वो भी इतना सरल ना है नंदराज, गौपालक कम है और गैयाएं अधिक है। अभी कलीवन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। यशोमती मैया के नंदलाला। गोपालक कम है और गैयाएं अधिक है। अभी कलीवन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। हमें गोपालक बनने दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसी, भानु, यदि हमारे घर के बालक गौपालक बनेंगे तो अन्य गोप परिवारों को प्रेरणा मिलेगी, फिर धनवान गोप गोपियां और उनके बालक इस गौपालन के कार्य को तुच्छ ना समझेंगे। सही कह रहे हो नंदराज, ऐसो करने से अन्य बालकों को प्रेरणा भी मिलेगी। हाँ, और काना अनुशासन भी सीख पाएगो और इसका नटखटपन भी कम हो जाएगा। पर मैं नटखट थोड़ी ना हूँ, तुम बताओ मैं नटखट हूँ क्या? देखो आपने ये भी मना कर रही है। बाबा, इन सब गैयाओं ने मेरी पुकार का उत्तर देना आरंभ कर दिया है। ये अच्छे गोपालक का चिन्ह है ना? तो तुम दोनों का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ होगा। पर जे तो कुछ समय बाद भी हो सकता है ना? आप तो जानते हो आज से मुझे इसे पढ़ाना लिखाना आरंभ करना है। यशोदा, पर मुझे लगा था कि तुम इन्हें मेरी तरह पुराणों की शिक्षा देना चाहती हो। पर जे तो और भी अच्छा है ना जिज्जी, एक बार जे पढ़ना लिखना सीख जाए फिर सारी कथाएं भी स्वयं पढ़ेगो। बड़ी माँ, आप तो जानती हो मैया जब भी कछु नया सोचती है अतिकाई सोचती है। और तू सवेरे सवेरे उठते ही यहाँ क्यों चलायो? ताकि पढ़ाई ना आरंभ करनी पड़े, इसीलिए ना? पर मैया मुझे बहाने मत ही बना, चल अब। यशोदा, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। देख जानकी, कान्हा को पढ़ाने के बाद किसी को बताने की सोचो भी मती। कान्हा, तू स्नान के लिए चल, मैं आती हूँ। जा जानकी। सुन, हाँ? कान्हा को पढ़ाने में मेरी सहायता करेगी? हाँ? मुझे ना वर्णमाला से आरंभ करना है आज। मैं चाहती हूँ कि वर्ण से आरंभ होने वाली सारी वास्तविक वस्तु दिखा दिखा के उसे समझाऊं, शीघ्र समझ जाएगा। जैसे क से केला। समझ गई भाभी, वर्णमाला के सारे वर्णों से आरंभ होने वाले सभी वस्तुएं और लिखाई पट्टी और खड़िया भी चाहिए। भोला बंसी को बोल शीघ्र ले। अभी लिख रहा थी। कान्हा, बाहर जाने का प्रयास भी मत ही करना। समय व्यर्थ करना अच्छी बात ना है लल्ला। जा, जा के स्नान की तैयारी कर। जा। कहा ना
वहीं ठहरो। मिल गई पर्सी पंखुड़ी। और ये मिल गई पर्सी घंटी। अरे फूला, जसोदा भाभी ने तुम्हें लेखन पट्टी और खड़िया लाने को कही है, शीघ्र ले जाओ। तो इसने मुझे कोई और समझा, बच गया। बसे बेरन, कस्तूरी। अरे अरे क्या कर रही है, मैं आज ही हाथ से लाई हूँ। तो तू दूसरी ले ले, शिकाना की पढ़ाई के वस्तु इकट्ठी करनी है। हाँ, काना की पढ़ाई के लिए? हाँ, आज जसोदा भाभी काना की पढ़ाई आरंभ कर रही है। पढ़ाई? हे नारायण, मैंने मना किया था किसी को भी बताने से। अच्छा सुन कस्तूरी, मैंने केवल तुझे ही बताए हुए, किसी और को मत ही बताना। चल। मैंने केवल आप ही को बताई है भाभी, आप किसी को मत बताना। किसी और को मत ही बताना तुम सब। बहुत अद्भुत होगा वो दृश्य, मुझे जाके देखना चाहिए। अच्छा लल्ला बता, तुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है? मेरी प्यारी सी मैया। मैया लल्ला, तुझे क्या और कौन का अंतर पतो है कि ना? मैंने जे ना पूछा तुझे कौन प्रिय है, मुझे जे बता तुझे क्या प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु जो तेरे पास ना है पर तुझे पाने की इच्छा है। लड्डू। लड्डू? बेसन के। कभी बेसन के लड्डू, कभी नारियल के लड्डू, कभी बूंदी के लड्डू। भूल हो गई मुझसे, मुझे तेरा नाम लड्डू रखना चाहिए था, लड्डू कहीं का। यदि लड्डू चाहिए तो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आई? सुनो, तुम कौन हो जी? वो अच्छा भोला ने भेजो है क्या? ले आओ ले आओ। पहले तो कभी ना देखो है तुम्हें, भोला के संबंधी हो क्या? नाना मैया, ये तो मेरे संबंधी है, जैसे भाई का मित्र भाई, काका का मित्र काका, वैसे भी मामा का मित्र मामा हो ना, है ना मामा जी? इसे कैसे पता चला कि मुझे इसके मामा महाराज कंस ने भेजा है? चुप हो जा, कछु भी बोलतो है, जे तेरे मामा ना है। यशोदा जी जी, औषधि है का? देखो ना कांटा लग गो। इसमें से तो रक्त निकल रहा है, रुक रुक। चेले, इसे लगाते ही पीड़ा झट से लुप्त हो जाएगी। जीजी, जीजी, यशोदा जीजी, थोड़ा घी मिलेगो, मेरे यहाँ समाप्त हो गो है। ठहर अभी लाई। चेले,
जशोदा भाभी वो तनिक हल्दी मिलेगी, वो पता नहीं मेरे यहाँ कब समाप्त होगी। हाँ हाँ खैर अभी लाइक। जशोदा जीजी, जशोदा जीजी, वो थोड़ी दाल मिलेगी क्या? और चावल भी। किसी को घी चाहिए, किसी को हल्दी, तो किसी को चावल और दाल। जी कौन सी खिचड़ी बना रहे हो तुम सब मिलके? नन्ना बताओ भी, सच्ची सच्ची बोलो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आई हूँ यहाँ? मैं बताऊँ भैया, ये सारी की सारी मुझे पढ़ते हुए देखने आई है। ओए किसने बताया कि भाभी वो मैं रहने दो, कोई आवश्यकता ना है। मैं समझ गई जी किसकी करनी। क्षमा करना भाभी, वर्णमाला के वर्णों से संबंधित सभी वस्तुएं तो ना ला पाई, पर इन सब को तो ले आए। अब इन्हें साथ लो और जाओ। जशोदा हमें भी तो देखने दो, तुम काना को कैसे पढ़ाती हो। हाँ और जब हम आपको समझाते देखेंगे तभी तो अपने लल्ला को पढ़ा पाएंगे। हाँ भाभी मान जाओ ना। मैया आप तो जानती हो इस सारी गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती है और मुझे भी बहुत प्रिय है। ये गोपियाँ भी प्रिय हैं इसे। तो कहना क्या चाहते है? इन सबको यही रहने दो ना मैया, इनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगी। ना डालोगी ना? हाँ नहीं डालेंगी। सबके सामने कैसे पढ़ाऊंगी? हाँ यदि आपको अपने ऊपर विश्वास ना है कि आप हम सबके सामने पढ़ा पाओगी या ना, तो ये बात और है। हाँ क्यों ना पढ़ा पाऊंगी। अब तुम सब बैठो, देखो और सीखो कि अपने लल्ला को कैसे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो बैठ जा लल्ला। ठहरो मैया, मेरा अर्थ है गुरु माता। आप बैठो यहाँ। गुरु का स्थान तो ऊंचा होता है ना? अरे वाह जे तो बड़ो चतुर हो गए हो। लल्ला अब इससे पहले कि हम आरंभ करें हमें बुद्धि दाता श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। ओम गणेश नमः। बस यही लीलाएं देखने के लिए तो मैं वृंदावन में बसा हूँ कान्हा। अब वर्णमाला आरंभ करने से पहले हमें विद्या की देवी मैया सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए। जय हो मैया सरस्वती की, जय हो। जय हो। कैसी लीला है प्रभु, भविष्य में जो
संपूर्ण संसार को गीता के ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले उन ज्ञान स्वरूप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को मैया यशोदा पाठ पढ़ाना चाहती हैं। जी ना लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल। पर मैया उन्हें तो मुझे विद्या मिली ना है, जब मिल जाएगी तो मंत्र बोल दूंगा मैं। फिर से आरंभ होगा तेरा नटखटपना। चल लल्ला, मैया सरस्वती का मंत्र बोल के उनकी वंदना आरंभ कर। पर मैया मुझे ठीक से स्मरण ना है, कछु गड़बड़ हो गई तो। अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोल। ओम महासरस्वत्ये नमः। जो इस मंत्र का आधार है, आज इन्होंने इसका उच्चारण करके इसको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, यदि कोई मेरे इस मंत्र का उच्चारण करने के स्थान पर हरे कृष्ण पुकारेगा तो उसे भी इसी मंत्र के समान फल मिलेगा। अब आरंभ करते हैं। लल्ला, जे वर्णमाला है लल्ला, पढ़ने लिखने और विद्या का आधार, इसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर से आरंभ करेंगे। अ आ आ ई ई उ उ री ए आई ओ ओम आहा। तुझे कैसे पता? आप ही नहीं तो सिखाया है मैया। मैंने कब? कल रात से सिखा रही हो आप, रात को सोने से पहले। आप यही तो बोल रही थी, सुबह उठते ही फिर से डर आने लगी, और तो और चांद कराने समय भी आपके मुंह पे यही था। तीव्र बोल रही थी क्या मैं? पर अपने आप इतना ही सीख पाई हूँ मैं, इसके बाद का ना आतो मैया। तो क्या होगा, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। अब बारी है व्यंजन की। क से कबूतर। करेला। क से कबूतर। ख से खरगोश। खरगोश। ग से गैया। अरे मैं तो भूल ही गयो, मैया को गौपालक बनने के लिए मनाना था। ऐसे पढ़ाई करते रह गया, टुकता हूँ तो गौपालक बन भी जाएंगे। बलराम, इस तरह गैयाओं और बछड़ों को नहलाया जाता है, समझ गो? और भोजन छोटे बाबा, वो कैसे खिलाते हैं? चारा डालने से पहले गुड़ मिलानो होतो है। मैं बता तू, जेले डाल, बस अभी इसमें से चारा निकालो। ऐसे ना डालो जातो, इसे पीस कर डालो जातो है। लो, इसे ऐसे पीस कर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पकड़। और फिर इसे चारे में मिलायो जातो है। हो गया, जा गैयाओं को खिला दे।
मेरे हाथों से क्यों खा नहीं रहे हो छोटे बाबा? और गुड़ मिलाऊं क्या? ना ना, गुड़ पर्याप्त है, हमें अधिक गुड़ भी ना मिलाना चाहिए। अधिकता मानव के लिए हो चाहे गैयाओं के लिए बुरी ही होती। एक बार पुनः प्रयास करो। लो अब खाओ। बाबा ये तो अब भी नहीं खा रहा। नारायणी जाने क्या हो गया इन्हें। काना तेरा ध्यान कहाँ है लल्ला? घर से घर, घर से घर। अद्भुत लीलाधर की लीला, अद्भुत इनके रंग। स्वयं ब्रह्मा आज सीख रहे हैं। बड़ी तीव्र गति से सीख रहे हो तुम, कहीं जाने की शीघ्रता है क्या? मेरी प्यारी मैया सिखाए, मैं ना सीख पाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं मैया संतान की पहली गुरु होती है। कैसे गुरु माता को कैसे शिष्य का प्रणाम। बहुत चाटुकारिता चल रही है, क्या चाहिए तुझे? लड्डू। कैसे गैया आज बाल से बछड़ों को कैसे देखने जानू है, कैसे जाने दो ना माँ से मैया, बनने दो ना मुझे कैसे गोपालक। ना से ना, तो से संभावना ही ना है। मैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारिणी कर लूंगा। तुझे गोपालक क्यों बननू है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है मैया। तुझे पतो भी है गोपालक बनने का अर्थ? हाँ मैया, बालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गो का अर्थ होता है गैया। गो का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गोपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है। मैया इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे, यही है गोपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, गोप नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब। आ
बनूंगो, तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगो। इसके बाद ही बन पाऊंगो वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरे उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है काना, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही, कितना छोटा है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दिया था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया, मेरी अच्छी मैया, मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूँ मैं, पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे जे सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकते है। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा। अभी ले लो आप मेरी परीक्षा। आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगो? आज तो भोजन ही ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सामान देखो आप। तू चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले काना, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो। सुन ली क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा पूरी, मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो काना? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ। नाता जुड़ेगा तभी तो बात सुनेगी मेरी, ये है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है खाना, ये देखो। क्षमा करना दाऊ, इसमें गुड़ अधिक है। जल कछु कम लग रहा है। जे तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरो ध्यान ही ना गए हो। इसमें गुड़ तनी कम है काना, ऐसे ना। मुझे पता है दाऊ। श्री कृष्णा गोविंद हरे हरे, श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्णा। हाँ, हम सबने प्रयास कर लिया है काना, तुम देखना नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने। चलो अब खाओ, अब ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे।
अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। अब तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी जाती है, मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा काना तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। हेलो काना, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नित्य करते देख कर ही सीख ली होगो, परंतु असली परिस्सा तभी शेष है। उसे संभालना बहुत कठिन है काना। काना, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया, जे बछड़ा अनगुत पाती लग रो है, कहीं भूल से इसकी दुलत्ती काना को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखट हूं। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लला, संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही चार बार प्रयास कर चुका हूँ पाना, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जाके कान में का कह रो है, चाहे जो कह रो है पर प्रभाव तो पड़ रो है भाभी। काना, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। आना बता ना, इसे कैसे संभाला तूने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि फेम इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गयो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो, इतने से भी ना मानो। ओ? मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगू। हाँ हाँ काना, 100% बहुत अच्छे। बाबा बाबा, आपको क्या लगता है, मैं परीक्षा में सफल होगू ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना काना, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ।
अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब भैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है और गो सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, आप ही ने तो सिखाया है। स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गो सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो आप इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक ना मैया ना। अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गो मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकता है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियाँ, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। महाराज माँ, गोपालक कान्हा की जय। गोपालक कान्हा की जय। गोपालक राजकुमार कृष्ण की जय। गोपालक यशोमती मैया के नललाला की जय। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी माँ से है। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने, कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह, अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। अरे मूर्ख, हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो, और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा, बछड़ा, उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ, और बोल, और बोल, इतनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचरण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल, और बोल, और तूने क्या देखा? क्या देखा? ताले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचरण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचरण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचरण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली काना ने, अपना दायित्व निभाना सीख रहे है काना।
मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। मैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। किस्ता से आना है मेरा लल्ला? मैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगो ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लगता है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल भी चुके हैं।